नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। वेलकम टू आवर चैनल बरोडियन बोंग। आज ना मैं कोई सब्जी का रेसिपी नहीं लाई हूँ, आज मैं एक नाश्ते का रेसिपी लाई हूँ जो सुबह और शाम के चाय में खाया जा सकता है। ये है, मैं बना रही हूँ चेडर चीज़ स्पिन व्हील्स। ये चेडर चीज़ है और मैं ये मैदा, सूजी, थोड़ा सा मेथी दिया है, कसूरी मेथी, और थोड़ा नमक और तेल का मयन देके मैं मैदा को रेडी करके रखी हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं तैयार करके ही आपको दिखा रही हूँ। एक कप मैदा में 2 चम्मच कसूरी मेथी, 3 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, जैसे आप नमक खाएंगे वैसे। देखिए, आप अच्छे से एक ज़्यादा नरम नहीं, ज़्यादा सख्त नहीं, ऐसे बना लीजिए, आटा लगा लीजिए, मैदा लगा लीजिए, तो ऐसे बन जाएगा। अभी मैं, और तेल मैंने गरम करने को ऑलरेडी रख दिया है, क्योंकि तेल गरम करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने रख दिया है। अभी रेसिपी शुरू करें, पहले मैं इसको बेल लूँगी। ज़्यादा पतला भी नहीं करूँगी। देखिए, मैंने ये रोटी बेल लिया, अभी इसमें इसको ऊपर मैं दूंगी, अभी नहीं, अभी और एक बना लूँ उसके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने और एक ऐसे रोटी बेल लिया है। अभी जो मैं ये चीज रखा है इसके ऊपर बिछा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने इसे बिछा दिया। अभी जो मैंने रोटी पहले से जो बेल के रखा है, अभी इसके ऊपर डाल दूंगी। और चारों ओर से अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। अच्छी तरह से सील नहीं करने से इसका अंदर जो चीज स्टफिंग है वो निकल जाएगा, और थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। अभी मैं इसको काट लूंगी। लंबी लंबी पहले स्ट्रिप करके उसको काट लें, थोड़ा थोड़ा छोड़ के,
फिर इसको ऐसे रोल कर दें। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रोल होगा और इसको हाथ से ऐसे दबा दें, ऐसे दबा दें और ऐसे छोड़ते जाइए। आँच एकदम स्लो पे रखिए, नहीं तो चीज़ जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होगा और ऐसे करके दबाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते जाइए। जब आप इसको सेक लेंगे ना तो थोड़ा नरम रहेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तब एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने फ्राई करने को डाला है। एक बहुत ही इजी है, खाली मैदा, थोड़ा सूजी और मोज़रेला चीज़ से आराम से बन जाएगा। एक बार बना के देखें आप घर पे, ये चाय के साथ खूब ही बहुत बढ़िया लगता है। और घर का जो बना हुआ नाश्ते में तो बात ही अलग होती है, उसका स्वाद अच्छा रहता है, अच्छे तेल में बना हुआ रहता है तो तबीयत खराब होने की चांस ही नहीं रहती है। इसको थोड़ा पेशेंस चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा स्लो आंच में इसको करना पड़ता है। और एक फ्रेंड्स, ये तो नाश्ते की बात हो गई, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। अभी हम जो नॉनस्टिक कढ़ाई में खाना बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करते हैं। आप स्पैचुला यूज़ करने का पहले ज़रा प्लीज़ देख ले, बारिश के सीज़न में उसमें फंगस आ जाता है, ग्रीन ग्रीन फंगस आ जाता है, उसको देख के फिर यूज़ करें। अगर हो सके तो ना, अगर नॉनस्टिक कढ़ाई ना ही यूज़ करें और स्टील, ऐसे स्टील कढ़ाई में खाना बनाने का कोशिश करें, क्योंकि बरसात में लकड़ी में फंगस आना जो आ जाता है बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको ये बात शेयर की, क्योंकि मैं जब सुबह खाना बनाने के लिए जब मैंने निकाला तब देखा उसमें फंगस हो गए थे। लकड़ी में तो जब लकड़ी पुरानी होती है फ्रेंड्स, तो उसमें फंगस थोड़ा आ ही जाती है, इसीलिए ज़रा सावधानी से आप हैंडल करिएगा। देखें, देख के फिर स्पैचुला यूज़ करिएगा। देखिए मेरा ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी मैं निकाल लूँगी। मैंने गैस बंद कर दिया और सब निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मोज़रेला चीज़ स्पिन व्हील्स तैयार है चाय के साथ। आप करके चाय के साथ पीजिए और इसको खाइए, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बोलिएगा। थैंक यू।